ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर गुरु महाराज की, इंदौर में चातुर्मास स्थापन हुआ और आज चातुर्मास निष्ठापन का दिन है। चार महीने पूर्ण हो रहे हैं अष्टानिका की और आज चतुर्दशी भी है। प्रतिक्रमण भी करना है और प्रतिक्रमण में दैवशिक रात्रिक पाक्षिक चातुर्मासिक, तो आज चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। गत चौतीस को वार्षिक प्रतिक्रमण किया था और यहाँ पर नियमावर सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मासिक काल वैसे अनंत हो गए किंतु वर्ष की गिनती 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 कितने बार गिन चुके हैं। अभी कह रहे थे सम्मिश्र कर जो हुआ है, सम्मिश्र कर जो होने के उपरांत आने की बात समाप्त हो जाए तो आवागमन का वह चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये आदर्श भाव मन में लेकर के साधक लोग साधना करते हैं। मांगने से तो कोई मिलता है ही नहीं और मांग नहीं भी करते हैं तो उत्साह भी नहीं पड़ता। मांग तो करते रहे, मांगने से नहीं मिलता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उन भावों का कुछ न कुछ तो प्रभाव होता तो होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे मांग करके ही खाते, मांगने से उनको दूध मिलता है। उसी प्रकार प्रभु के सामने हम भी बच्चे ही समझे अपने आप को। न पूजिया तयी तरागे न निंदया नाथ विमान तवैली तथापि ते पुण्य गुणस्मतीर्ण तथापि ते पुण्य गुणस्मतीर्ण पुनार्पितम् गीतांजलि। वास सूर्यनाथ भगवान की स्तुति वंदना भक्ति आराधना करते हुए स्वामी समंत भद्र महाराज ने भगवान आपको कोई राग से मतलब है नहीं, तो पूजा करें या न करें, भगवान आप किसी से द्वेष रखते नहीं इसलिए आपकी कोई वैरी है ही नहीं। ऐसी स्थिति है आपकी, लेकिन फिर भी हम आपकी पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपकी पूजा करने से हमारा पाप धुलता है।
ये तो वोट ही सस्ता हो गया, नहीं समझे? और पूरा पूरा बिना साबुन और बिना सोडा बिना निर्वली से हमारा तो वस्त्र अनादि काल से जो मटमेला हुआ वह बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर स्तुति करते ही रहो, उसमें क्या वादा होगी? प्रत्येक क्षण यदि स्तुति करते हैं तो हमारे विचार से धर्म ध्यान करने की कोई आवश्यकता? अब कौन सा ध्यान रहा? भगवान की स्तुति बिरलों को ही मिलती है, क्योंकि वे ध्यानस्थ हैं, ये हमें ज्ञान हो जाता है। पंच परमेश्वर जी को याद करने का अर्थ वे हमेशा ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनको याद करना भी अपना ध्यान आ जाना है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, पुनः चित्तम दुर्तांजलि, भगवान आप गुरु जी मेरे लिए इस स्तुति में ये चरण को ऐसा बोला करो, ऐसा कहा था, ऐसे पुनः चित्तम दुरितांजलि पे, अब पुनः चित्तम दुरितांजलि पे, पुनः तो यह आज्ञाकारी हो जाती है, पुनः यह प्रथमा वर्तमान के लिए सामान्य क्रियापद के रूप में आ जाता। भगवान आपकी स्तुति हमारी पाप को धुलती है, ऐसा न करके पुनः तो भगवान आपकी स्तुति हमारे पाप को धोए, ऐसा हम आज्ञाकारी उसको बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमेशा हमेशा हम पाठ गुरु जी के कहने से यही करते हैं, मांगो, और क्योंकि इसलिए मांग रहे हैं कि उससे अवश्य धोने का कार्य हो जाता है, तो हमारा तो पाप कट रहा है, धुल रहा है, साफ हो रहा है, तो उतना ही नहीं होगा, उसके साथ साथ उससे कई गुना शुद्धि बढ़ाने वाला पुण्य का बंद भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। इसलिए हम तो उस पुण्य, जो पुण्य पाप का प्रक्षालन करता है और पाप को पास आने नहीं देता, ऐसा पुण्य है, तो हम सांसारिक वांछाओं से प्रेरित होकर के नहीं प्रभु, किंतु संसार अतीत जो आप बने हैं उसी रूप में बनने के लिए आपके पास आए हैं। आपको तो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो आपसे बोलो हाँ मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। आप हाँ कहो या ना कहो, क्योंकि आप ना तो कह नहीं सकते और आप मौन बैठे रहते हो, तो हम तो उसको हाँ ही समझ लेते हैं। आप इसको बड़ा तो कर नहीं सकोगे,
मना करना तो आपके यहाँ कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, और हम मांगते ही तो आप देव या नहीं देव ये आप जानो, हमारे लिए तो वह अक्षय अनंत सुख जिससे मिलता है पुनाति मतलब साफ होता है। तो पुनाति आत्मानं पवित्री क्रिय थे, आत्मा को जो पवित्र कर देता है, आत्मा को जो साफ कर देता है, शुद्ध बना देता है, उसका नाम पुण्य। ऐसे सर्वासिद्यादि ग्रंथों में लिखा है, इसीलिए हम पाप के प्रक्षालन हेतु उस पुण्य को आपके चरणों में आकर के प्राप्त करते हैं, पर पाप का प्रक्षालन हो जाता है, ये स्वाभाविक है। ऐसी स्तुति करते हुए स्वामी समंत भद्र महाराज गदगद होकर के कंठ से ऐसे बोलते हैं, उनकी स्तुति वासुनाथ भगवान की स्तुति की है, उसमें यह श्लोक लिखा हुआ है। ये कहीं भी और कुछ भी नहीं मिलता तो वासुनाथ भगवान की ये पांच श्लोक मुखागर कर लो, इसमें बहुत ही अच्छा भाव लगता है। हमारे तो लगता है, इसलिए तो मैं बार बार करता हूँ। अहिंसा परमो धर्मः।